हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ अमेज़ॉन की वॉच का, जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है। फास्टर की वॉच मैंने ली मंगाई थी। ये इसकी पैकिंग कंडीशन है। पैकिंग कंडीशन तो ठीक है, मटेरियल भी सही है बाहर से। तो चलिए देखते हैं अंदर का मटेरियल। ये मैंने मंगाई है फास्टर की वॉच। पैकिंग तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल जैसी ही लग रही होगी। ये देख रही फास्टर का लोगो, ये फास्ट ट्रैक का इसका लोगो दिया हुआ है। ये देख लीजिए, बिल्कुल असली जैसा ही लग रहा है। अब देखते हैं इसकी वॉच कैसी आई है अंदर से। ये देखिए, ये भी ओरिजिनल जैसी ही लग रही है। और इसमें आपको दिखाता हूँ, पर ये ओरिजिनल नहीं है। ये मुझे 556 रुपीज़ में मिली है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पहचान कहाँ से होती है। ये देखिए, ओरिजिनल जैसी ही लग रही है। और ओरिजिनल पर इसकी पहचान आपको बैक डायल से हो जाएगी। बैक डायल में इसका ये कोड होता है। ये कोड स्कैन करने पर अगर आपकी वॉच निकल के आती है उसमें, मोबाइल में आपके स्कैन करके, तो ठीक है। अदरवाइज़ ये लोकल ही है, क्योंकि ये लोग बहुत तेज़ दिमाग वाले होते हैं जो ये काम करते हैं और अमेज़ॉन पे बेचते हैं अपनी चीज़ों को। इसलिए अमेज़ॉन को थोड़ा सा जांच परख के ही करना चाहिए इन होलसेलर्स को, या इनसे प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं जो दूसरे दुकानदार होते हैं। मोस्टली घड़ियां तो मोस्टली आपको फ्रॉड ही मिलेंगी। इसमें फ्रॉड टाइप के लोग बहुत काम कर रहे हैं आपके घड़ी के लिए, जो 150 रुपये वाली चीज़ को 600-700 रुपये में बेचते हैं या 1000 रुपये में बेचते हैं। कंडीशन तो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे, लेकिन ओरिजिनल नहीं है। इसके मुझे सेल भी रुके हुए मिले थे। सेल भी इसमें नहीं चल रहा था। मैंने बाद में कहा दिखाया था तो ये कह रहे थे वॉच नकली है। अब मैं इसको वापस करवाऊँगा। ओके स्टूडेंट, ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जो भी देख रहे हैं वीडियो, तो आगे जागरूक रहिए इस चीज़ के बारे में। ओके बाय।